हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ कूलिंग टावर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो उसी पहले वाले क्वेश्चन जो फैक्टर अफेक्टिंग कूलिंग टावर परफॉर्मेंस, यानी कि कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, उन्हीं पर आधारित है। जिसमें मैंने उसी वीडियो में बताया था कि जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो रेंज है, अप्रोच है, इफेक्टिवनेस ऑफ कूलिंग टावर है, कूलिंग कैपेसिटी है, इवेपोरेशन लॉस है, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है, ब्लो डाउन है, लिक्विड गैस रेशियो है, ड्रिफ्ट लॉस है एंड रिसर्कुलेशन एंड इंटरफेरेंस है। जिसमें से हमने रेंज, अप्रोच, इफेक्टिवनेस, कूलिंग टावर, इवेपोरेशन लॉसेस, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन, ये पहले से ही बता दिया है। इस वीडियो में बताऊंगा ब्लो डाउन और लिक्विड गैस रेशियो। तो दोस्तों, चलिए इसे समझते हैं क्या है। दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले हम समझेंगे ब्लो डाउन। ब्लो डाउन क्या है? ब्लो डाउन का मतलब ये होता है कि द पोर्शन ऑफ द सर्कुलेटिंग वाटर फ्लो दैट इज रिमूव इन ऑर्डर टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड एंड अदर इम्प्योरिटी एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। और एक्सेप्टेबल लेवल हमारा 300 से 1200 ppm है। कहने का मतलब ये है कि वह पानी जो जो क्या किया गया है कि रिमूव किया गया है कूलिंग टावर से, रिमूव किया गया है किस लिए दोस्तों? TDS मेंटेन करने के लिए, टोटल डिजोल्व सॉलिड को मेंटेन करने के लिए, या किसी और इम्प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम जो पानी को रिमूव करते हैं उसे ही हम ब्लो डाउन कहते हैं। ब्लो डाउन क्या होता है दोस्तों? जब ये अपना सपोज करिए कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर का ये बेसिन है, तो जब इसका सैंपल जाता है लैब में, तो वहाँ पे जब TDS हमारी जो चेक की जाती है, TDS नॉर्मल कूलिंग टावर की हमारी होती है 300 ppm से 1200 ppm। 300 से 1200 ppm के रेंज में हमारी जो टोटल डिजोल्व सॉलिड होती हैं, किसी भी नहीं, मैं अपने प्लांट की बात करूँ तो 300 से 1200 ppm के पानी को हम मेंटेन करते हैं TDS के किसी अपने कूलिंग टावर में। तो इसको मेंटेन करने के लिए, जैसे ये 1200 ppm से ज़्यादा हो गया, जैसे 1500 ppm हो गया, तो हम क्या करते हैं कूलिंग टावर के जो बेसिन में बॉटम में जो लाइन है, एक लाइन दिया गया है, इस लाइन को हम इस लाइन का वाल खोल देते हैं और पूरा का पूरा जो बॉटम में जो है पानी है, जो हाई TDS पानी है, वो हमेशा बॉटम में ही रहेगा दोस्तों। तो उसको हम क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे और उसे ही कहते हैं हम ब्लो डाउन, उसे ही कहते हैं ब्लो डाउन करना। तो आपको पता चल गया कि ब्लो डाउन क्या है, कि द पोर्शन ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर, ये जो सर्कुलेट हो रहा है पानी, उसी को रिमूव करना किस लिए दोस्तों? मेंटेन द अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉलिड, डिजोल्व सॉलिड को मेंटेन करने के लिए कुछ सर्कुलेटिंग वाटर के पोर्शन, पानी के पोर्शन को रिमूव कर देना, उसे ही हम कहते हैं ब्लो डाउन। अब नेक्स्ट चलते हैं कि लिक्विड गैस रेशियो क्या होते हैं दोस्तों। जो सॉरी, अभी ब्लो डाउन में और थोड़ा सा बाकी है हमें समझना, कि ब्लो डाउन डिपेंड अपॉन साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन एंड इवेपोरेशन लॉसेस। ब्लो डाउन जो है साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन पे और इवेपोरेशन लॉसेस पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है दोस्तों? ब्लो डाउन बराबर होता है इवेपोरेशन लॉस अपान COC, यानी कि साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन माइनस वन। ये जो फार्मूला होता है, ये किसी भी ब्लो डाउन के लिए, ब्लो डाउन निकालना है तो आप ब्लो डाउन के लिए इवेपोरेशन लॉस भागे COC माइनस वन कर देंगे तो हमारा ब्लो डाउन लॉस, ब्लो डाउन पता चल जाएगा। और दोस्तों, अगर ये तो हमारा ब्लो डाउन हो गया, अगर हम लिक्विड गैस रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है दोस्तों? द रेशियो बिटवीन द वाटर एंड द एयर मास फ्लो रेट। ये दोस्तों सिंपल है, लिक्विड गैस रेशियो क्या है, जो जैसे इधर से हम नीचे से हम एयर दे रहे हैं, तो एयर कितने, एयर की जो मास है वो प्लस ऊपर से जो पानी हम नीचे गिरा रहे हैं कूलिंग टावर में, उस पानी का जो मास है वो, दोनों का जो है हमारा जो फ्लो रेट है, दोनों दोनों के फ्लो रेट का जो रेशियो होता है वही हमारा लिक्विड गैस रेशियो कहलाता है। द रेशियो बिटवीन वाटर एंड द एयर मास फ्लो रेट, यानी कि वाटर और एयर मास फ्लो रेट दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा कहलाता है लिक्विड गैस रेशियो। और दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी से हमें पता चलता है कि जो हीट रिमूव फ्रॉम द वाटर मस्ट बी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाई द सराउंडिंग एयर। जब हम लिक्विड गैस रेशियो निकालते हैं दोस्तों, तो उसी से हमें पता चलता है
कि जो हमारा वाटर से जो है हीट रिमूव हो गई है वो उसी के बराबर है, किसके बराबर, जो दोस्तों जो सराउंडिंग एयर में जो हीट एब्जॉर्ब की गई है उसी के बराबर है। यानी कि हीट रिमूव फ्रॉम द वाटर मस्ट बी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग एयर। जितनी सराउंडिंग एयर जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही हमारी कूलिंग वाटर में जो पानी आ रहा है उसकी हीट उतनी ही ज़्यादा रिमूव होगी। जैसे गर्मियों में क्या होता है दोस्तों, गर्मियों में हमारा जो कूलिंग टावर है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एयर का जो है सराउंडिंग एयर होती है वो बहुत गर्म होती है, उस वो जो है वाटर को होल्ड अप करने की कैपेसिटी उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो कूलिंग टावर से जैसे ही हमारा वाटर है लेटेंट हीट लेके ऑपरेट होता है तो उसे तुरंत वो होल्ड अप कर लेते हैं सराउंडिंग एयर। उसे ही कह रहा है कि अगर हमारा जितना हमारा वाटर हीट उतनी ही रिमूव होगी जितनी हमारी सराउंडिंग एयर जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगा या वाटर के द्वारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आई होप आपको लिक्विड गैस रेशियो भी समझ में आ गया, ब्लो डाउन क्या होता है ये भी समझ में आ गया, और अब तक के आपने ये सारे अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलिंग टावर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखना है तो उनमें ये बहुत मस्ट है जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों ड्रिफ्ट लॉस और रिसर्कुलेशन एंड इंटरफेरेंस क्या होते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।